हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके पास हाथ वाली या पैर वाली पुरानी मशीन है तो आप उसमें एक छोटा सा चेंज करके समय और मेहनत दोनों ही बचा सकते हैं। आज मैं बताऊंगी आपको अपने मशीन के बारे में, जो कि ये 15 साल पुराना मशीन है लेकिन बहुत ही बढ़िया चलता है। आज तक कभी इसमें धागा नहीं फंसा है। अब मैंने इसमें एक छोटा सा मोटर लगा लिया है जिससे कि मेरा समय और मेहनत दोनों ही बच जाता है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ ये मोटर। बस ये जो हमने ये हाथ वाला चलाने वाला था हैंडल, उसको निकाल कर और ये मोटर छोटा सा फिट करना है, जो कि मुझे मार्केट में 700 में मिल गया है। उसके साथ ये है जिससे हम ये प्रेस करेंगे तो ये हमारा मशीन चलने लगेगा और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से, स्मूथली चलता है और मेहनत भी इसमें बच जाता है। ये देखिए, आप इस मशीन को, इस मोटर को पैर वाली मशीन में भी लगा सकते हैं और हाथ वाले में। बस ये इसी तरह से इसका जो हैंडल है इसको निकाल कर और इसको फिट रखना है, फिट करवा लेना है। मैं आपको अपनी ये मशीन चला के दिखाती हूँ कि देखिए कितना फास्ट चलता है और कितनी सफाई से ये सिलाई करता है। रबड़ फिट होगा जो कि आप इकट्ठे 3 से 4 ले लीजिए, क्योंकि ये अक्सर 3-4 महीने में लूज होने लगता है, ढीला होने लगता है, तो अगर आप एक्स्ट्रा 1-2 रखे रहेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। हाथों से या नीचे जमीन पे रख के इसे पैर से, अंगूठे से दबा के और इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। कितनी जल्दी ये फटाफट सिलाई कर देता है और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है। ये मुझे 700 रुपये में मार्केट में मिल गया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।